तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डिफेक्ट पढ़ रहे थे, और डिफेक्ट्स में हमने तीन डिफेक्ट पढ़े थे, ठीक है ना। पहला डिफेक्ट था मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट के दो पार्ट थे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट के दो पार्ट थे, और वो कौन कौन से थे। मेटल एक्सिस डिफेक्ट के दो पार्ट थे, और पहला था एफ सेंटर, जिसकी वजह से एनएसीएल येलो हो गया, जिसकी वजह से एनएसीएल येलो हो गया। दूसरा था ZNO, जिसको हमने हीट किया था तो ये भी येलो हो गया। दोनों का आंसर फ्री इलेक्ट्रॉन था। फिर हमने एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ा था। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में जब हमने FeO को हीट किया था तो यह Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया। इसका मींस हुआ कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर +3 में कन्वर्ट हो गई। अब ये दोनों ही एक में प्रेजेंट, और इसी में तीसरा पढ़ा था हमने आयोनिक इंप्योरिटी या इंप्योरिटीज इफेक्ट। इंप्योरिटीज इफेक्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एनएसीएल में कोई डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करें तो कितनी कैटायन वैकेंसीज डेवलप हो जाता है। अगर हम यूनिवेलेंट में डाइवेलेंट डालते हैं तो वन मोल कैटायन वैकेंसी डेवलप हो जाती है, और अगर हम इसमें ट्राइवेलेंट ऐड कर दें तो फिर 2 मोल हो जाए, 2 मोल कैटायन वैकेंसी। क्या हुआ सर, अभी चालू किया है? अरे किसके माइक की हमिंग आ रही है, सही करो। वैभव सर है, पर वैभव का माइक ऑन है सर, एक बार फिर समझा दो। अरे पुराना समझा रहे हैं, अभी बता रहे, ठीक है। तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, ट्राइवेलेंट वाला आज तक नहीं आया है किसी भी एग्जाम में। डाइवेलेंट वाला नीट और जेई दोनों के एग्जाम में आ चुका है, तो ये आयोनिक इंप्योरिटीज थी। अब हम चलेंगे इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का एक न्यूमेरिकल करेंगे, जो जेई और नीट दोनों में ही आया हुआ है। तो हम देखते हैं, वो हमको कहता है हमारे पास एक क्रिस्टल है आयरन इतना, ठीक है ना। अब इस आयरन में क्या है, दो आयरन बता दो। अरे भाई कुछ भी नहीं समझाया, सिर्फ पुराना टॉपिक बताया कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। लास्ट क्लास की कोई नया हो तो वो। इस आयरन में दो ऑक्सीडेशन नंबर मिक्स हो गई है, 2 और 3। अब हमें उसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। हमें निकालना है कि इसमें आयरन का +2 कितने परसेंट है और +3 कितना परसेंट, और टोटल आयरन के एटम कितने हैं बच्चों। टोटल आयरन के एटम है 0.93। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस थ्री वाले के एक्स एटम है, कितने एटम है, एक्स। तो देखना, तो इसमें हमने एज्यूम कर लिया है थ्री वाले के एक्स एटम है, और टू वाले के कितने होंगे, तो टू वाले के एटम हो जाएंगे 0.93 माइनस एक्स, प्लस थ्री वाले के एटम कितने हैं, एक्स, ठीक है ना। और टोटल इसमें ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, 2, ठीक है। देखो इतने में किसी को डाउट है क्या, इसमें आप सॉल्व करके हमको एक्स बता दो, एक्स कितना है। स्टार्ट हो जाओ भैया, सॉल्व करो। सर 0.14
सर 0.14 0.14 तो इसमें जवाब 0.14 आया आंसर बिल्कुल सही 0.14 इज एक्यूरेट आंसर तो प्लस एक्स क्या हो गया x हो गया 0.4 ये 3 वाले का परसेंटेज है ठीक है ना तो अब अगर हम 3 वाले का परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा ठीक है ना तो 0.14 तो वो है और टोटल कितना है 93 उसमें 100 करेंगे और 2 वाले का परसेंटेज कितना हो जाएगा 2 वाले का परसेंटेज निकालने के लिए 93 में से 0.14 को माइनस करेंगे और 93 से डिवाइड कर दो ठीक है और 100 से इंटू कर देंगे तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा देखकर बताओ भैया 3 वाले का परसेंटेज कितना आ जाएगा 3 वाले का परसेंटेज अप्रॉक्स 15 और इसका 85 अप्रॉक्स कुछ ऐसे आएगा देख लो फटाफट करके बताओ भैया कोई आवाज नहीं आ रही भैया देखो आवाज लाओ भैया क्लियर नहीं हो रहा 84.93 सर 18% अप्रॉक्स ऊपर वाला कितना 18% बिल्कुल सही 18% हो जाएगा तो अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है ये 82% के अप्रोक्स हो जाएगा ये जेई में आया हुआ 82.14 कोई बात नहीं लमसम लिखे हम ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है निकल 0.98 ओम है निकल 0.98 ओम है निकल प्लस 2 और प्लस 3 का परसेंटेज बताओ तो हम फिर से लिख देते हैं ये हो जाएगा 2.98 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स ठीक है ना इज इक्वल टू 2 तो एक्स कोई बताएगा एक मिनट सर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1.86 x की वैल्यू में भी इतनी आ जाए देख लो सर इतनी है ना हाँ सर ये सर तो x की वैल्यू इतनी आ जाएगी तो आप 3 वाले का परसेंटेज हो जाएगा 0.4 divided by 0.98 into 100 is equal to 4% और 2 वाले का परसेंटेज हो जाएगा 0.98 minus 0.4 divided by अरे ये इतनी सारी अब 96% ओके अब मेरे पास एक ढक्कन मेथड भी है देख ढक्कन मेथड ऐसे करते हैं ये 11th से आता है हमने 11th में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था तो देखो निकल के कितने एटम है निकल के एटम है 0.98 ओके और निकल की तीनों चुप नहीं हो रहे क्या तुम लोग देखो भैया निकल के एटम है 0.98 और निकल की ऑक्सीडेशन नंबर एक्स और ऑक्सीजन की -2 और ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 हमने एक्स को सॉल्व किया तो ये 2.04 आ गया ठीक है ना ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई 2.04 अब ध्यान से देखना ये तो बचता है ये तो 3 का परसेंटेज है तो 3 वाले का परसेंटेज कितना हो गया 4% 3 वाले का परसेंटेज कितना हो गया 4% अब बाकी 2 वाले का कितना बचा 96% ठीक है ना तो आप ये 11th की ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से निकाल सकते हो अब हम चलते हैं इसमें आगे तो ये इसके न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी का आई थिंक 18 या 19 नंबर की प्रॉब्लम निकल वाली और ये भी
जेई में और नीट में दोनों ही एग्जामों में आ चुकी। अब हम इम्प्यूटीज में अगला डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं और वो है कोवलेंट इम्प्यूटीज। कौन सी इम्प्यूटीज? कोवलेंट इम्प्यूटीज का डिफेक्ट देखते। तो नॉर्मली आप क्या देखते हैं, जैसे हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ में अटैच होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ में अटैच है और सिलिकॉन के पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनदर 4 एटम से अटैच हो जाएगा, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल टेम्परेचर पर इंसुलेटर का वर्क करेगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए, ठीक है ना, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि ये 14 फैमिली का मेंबर है, इसने 4 बॉन्ड बना लिए, तो अब इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। अब हम इसमें क्या करेंगे, इम्प्यूटीज ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? इम्प्यूटीज। और इम्प्यूटीज ऐड करने को हम डॉपिंग कहते हैं। इम्प्यूटीज ऐड करने को हम क्या कहते हैं? डॉपिंग कहते हैं। डॉपिंग करने से इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाएंगे और उससे हमें 2 टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे। एक टाइप का नाम है पी टाइप और दूसरे टाइप का नाम है एन टाइप। पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे जिससे पॉजिटिव होल डेवलप हो जाएगा, और एन का मतलब आप समझ गए होंगे, नेगेटिव टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में इम्प्यूरिटीज ही होंगी, दोनों में इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी का 21 नंबर का क्वेश्चन है। अगर हम 14th फैमिली में 13th फैमिली की इम्प्यूरिटीज ऐड कर दे, तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और अगर 15th फैमिली की इम्प्यूरिटीज को 14th फैमिली की मैं ऐड कर दे तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब हमको बच्चा कहेगा कैसे, तो देखना, फिर से एक्सप्लेन करना। ये सिलिकॉन था और ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और 4। अब हमने क्या किया, इसमें बोरॉन ऐड कर दिया, 13 फैमिली का एलिमेंट बोरॉन या गैलियम ऐड कर दिया। बोरॉन और गैलियम के पास में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3, ठीक है। तो जो बोरॉन है ना, वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है और इसने अनदर एटम के साथ 3 बॉन्ड बना लिए, तो देखो ये वाली जगह कैसे रह गई, ये वाली जगह रह गई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रह जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। अब हम देखेंगे एन टाइप, फिर से हमने देखा, अरे यार बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2 और 3 बॉन्ड बना लिए उसने, अब इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना सर, एक है ना, मतलब तो एक से, तो ये तो सिलिकॉन का है भैया, बॉन्ड तो सुना है 11th में बनता था, 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है कम से कम, अगर 1 इलेक्ट्रॉन से बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है, ऐसा हमने पी ब्लॉक में डाइबोरेन में पढ़ा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, डेफिशिएंसी रह गई, तो अब क्या करेगा, ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे एन टाइप, फिर से सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और ये चारों इलेक्ट्रॉन हमने लिख दी। अब हमने क्या किया, इसमें आर्सेनिक ऐड कर दिया, और आर्सेनिक किस ग्रुप का एलिमेंट है, आर्सेनिक है 15th का है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने? 5 होंगे, तो देखो इसने 4 तो नॉर्मल बॉन्ड बना लिए, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, इस आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये वाला, तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है ना,
इस पार्टी बॉन्ड बनाएगा ना भाई, दूसरे वाले के पास तो चार ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है ना, ये तो पांच बना सकता है, समझे कि नहीं। जैसे तेरे दो हाथ है और सामने वाले के तीन हाथ है, तो तू बता उसके कितने हाथ पकड़ सकता है, कितने हाथ पकड़ेगा, दो ही तो पकड़ सकता है। yes. एक हाथ उसका खुला रह जाएगा और उससे वो तुझे थप्पड़ लगा सकता है, ठीक है ना। तो इसने इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करना शुरू कर दिया। तो ट्वेल्थ में क्वेश्चन आता है डोपिंग क्या होती है, तो डोपिंग का मींस है कि व्हेन वी ऐड इंप्यूरिटीज इन कोवलेंट कंपाउंड इट कंडक्टेंस इंक्रीज। जब हम किसी में इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं यहां पर फटाफट आपके लिए लिख देता हूं 14 ग्रुप के एलिमेंट। ये सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम, ये 13 फैमिली के एलिमेंट है बोरॉन और गैलियम, और ये 15 फैमिली के एलिमेंट है फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। अगर हम 15 को 14 में ऐड करेंगे तो एन टाइप बन जाएगा, और अगर 13 को 14 में ऐड करेंगे तो पी टाइप। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है मैं वो भी आपको लिखकर बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि अगर हम गैलियम को आर्सेनिक, गैलियम को सिलिकॉन में मिला दें तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, कोई बताएगा? पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अगर हम जर्मेनियम में बोरॉन को मिला दें, सॉरी बोरॉन को जर्मेनियम में मिला दें तो भी एन टाइप बने, क्योंकि ये 14th का है, ये 13th का है, और ये भी 13th। तो एनसीईआरटी के 21 क्वेश्चन को मिलाएंगे तो सर एन टाइप। फास्फोरस को मिलाएंगे, जैसे हमने फास्फोरस को जर्मेनियम में मिला दिया तो जर्मेनियम एन टाइप। ओके, तो एनसीईआरटी के 21 क्वेश्चन के दोनों पार्टों का आंसर पी टाइप। ये हमारे डिफेक्ट खत्म हो गए। ओके, अब हम चलेंगे प्रॉपर्टीज की तरफ। अब हम चलेंगे, अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बताओ भैया कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चार, वाह, ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया, चैप्टर तो बताया कम से कम। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट तो नहीं, सॉलिड की पढ़ेंगे। ओके, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, फर्स्ट चैप्टर है। अगर किसी को अभी तक पता नहीं लगा हो तो मैं बता देता हूँ, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, जो पिछले साल हट गया था, अब वापस से ऐड हो। तो हम इसमें फर्स्ट अभी आएगा ही, हाँ आएगा, हम इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम सब जानते हैं कि ये तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर, दूसरे होते हैं इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर, इंसुलेटर, और थर्ड हो गया इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते या बहुत कम करते। ये देखो हम बताएंगे, आप बीच में जब हम पूछे ना तब बताओगे तो बढ़िया है, नहीं तो क्या है बाकी बच्चों को समझ नहीं आता। तो जब हम आपसे क्वेश्चन पूछे तभी आप बताएं तो बेटर है, इससे क्या है क्लास में डिस्टरबेंस नहीं हो। ओके सर, क्या है कि वहां पे होता तो हम गाल पे लगा भी देते हैं, पर अब इतनी दूर हो तुम लगा भी नहीं सकते। तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, और कंडक्टर वो होते हैं जिनके कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाता है, ठीक है ना। तो कंडक्टर की जो कंडक्टेंस होगी
ठीक है ना, वो किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर। और सेमीकंडक्टर के कंडक्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेटिव का क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि अगर हम टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दें तो सेमीकंडक्टर कैसा हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर को 0 केल्विन, ध्यान से सुनो पहले, अभी हम बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है ठीक है ना, और कम करने से कम हो जाती। तो टेम्परेचर कम करने से सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाए। अब अगर कंडक्टर की टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दे तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो सुपर कंडक्टर, ठीक है ना, वो कैसा हो जाएगा, सुपर कंडक्टर। तो टेम्परेचर कम करने से कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाएगा और सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाएगा, ठीक है ना। अब सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चों, कोई बता सकता है? टेम्परेचर इंक्रीज, सर टेम्परेचर कम करेंगे तो बढ़ जाएगी। तो हम एक तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका, दूसरा कोई तरीका? तो अभी अभी थोड़ी देर, अब प्रेशर तू घर में सेमीकंडक्टर के बाहर लगा लेगा कंप्यूटर में और फिर उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज करने के लिए खुद बैठेगा क्या कंप्यूटर में, ऐसे थोड़ी डिक्रीज करते हैं, डोपिंग करते हैं अभी अभी फिर वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे। वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देख, टेम्परेचर बढ़ा देंगे या फिर डोपिंग कर देंगे। अब हम समझाते हैं इनकी कंडक्टेंस को कैसे समझाते हैं। इनकी कंडक्टेंस को समझाने के लिए हमने बैंड थ्योरी का यूज किया, हमने 11th पढ़ी है शायद सब लोगों ने, और फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट तो नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर या केमिकल बॉन्डिंग में हमने एमओटी थ्योरी पढ़ी होगी सब, ठीक है ना। कौन सी थे? मोटी थ्योरी, एमओटी, मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने वापस बता दें कौन, हाँ वही समझा रहे भाई। तो एमओटी थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि एक किसी भी एटम में 2 टाइप की ऑर्बिटल होती है, नीचे वाली ऑर्बिटल को बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं और ऊपर वाली को एंटी बॉन्डिंग। पर यहाँ पर इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड, और नीचे वाले को कहते हैं वैलेंसी बैंड। और इसके बीच का गैप होती जाती है ना, हाँ, और इसके बीच का गैप को कहते हैं एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप जितना कम होगा उतनी ही कंडक्टेंस ज्यादा होगी, एक बात। दूसरी बात, कंडक्शन के लिए कंडक्शन जो बैंड है वो वैकेंट होनी चाहिए, मतलब किसी की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए। अगर किसी में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है तो वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि ये कंडक्टर क्यों है, ये कंडक्टर क्यों है, तो उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट कंटेन एम्प्टी बैंड। अब देखना सेमीकंडक्टर में ये जो डिफरेंस है एनर्जी का वो कंडक्टर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये डेल्टा ई का जो डिफरेंस है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होगा सेमीकंडक्टर के केस में। और इंसुलेटर के केस में ये कैसा होगा, इंसुलेटर के केस में ये बहुत ही लार्ज हो, तो इंसुलेटर के बारे में हमसे नहीं पूछते, ठीक है ना, हमसे बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ई ज्यादा उतनी कंडक्टेंस कम। अब ध्यान से देखना कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों बढ़ जाती। इस वैलेंसी बैंड में एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी नहीं है कि ये कूदकर ऊपर चला जाए, कूदकर कंडक्शन बैंड में चला जाए। तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है ना, जब इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस क्यों बढ़ जाएगी? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका ये था जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वो था डॉपिंग। अगर हम इसमें डॉपिंग कर देंगे तो भी इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। हमने किसी उम्र में सबने मारियो गेम खेला होगा, ठीक है ना। तो मारियो में जब ताकत नहीं रहती तो वो ऊपर चढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? कीड़े का। तो वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है, सीढ़ी पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाता है। तो आप देखना ध्यान से, हमने क्या किया, डॉपिंग करी। और डॉपिंग क्या करेंगे, डॉपिंग में एक नई, डॉपिंग से एक नई एनर्जी लेवल बन जाएगा। ये डॉपिंग हुई तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए हमने स्टूल रख दिया है। अब इलेक्ट्रॉन पहले तो क्या करेगा, इस पर कूदेगा और फिर इससे उस पर कूद जाएगा। और ये वाली डॉपिंग की जो जॉन क्या मेरी सिड्डी आएगी क्यों? अरे भैया हमने डाली है सिड्डी, रखी है। ये ऐसे है कि तू कमरे में खड़ा हुआ है और कमरे में कोई भी चीज नहीं है और तेर से कही जाए छत को छू के दिखा, तो तू छू सकता है क्या छत? छत को छू सकता है क्या? नहीं ना। इतना उछल सकता है? नहीं। तो आप छूने के लिए तो क्या करेगा, कहीं से एक स्टूल ले आएगा। तो पहले तो तू स्टूल पे चढ़ेगा और फिर स्टूल से कूद कर छत छूट। और डॉपिंग में ये लेयर ऊपर भी बन सकती है। ये भैया फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो ऊपर लेयर बनेगी, और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो डॉपिंग, ठीक है ना। अगर पी टाइप है तो, अरे भैया कौन चला रहा है, हुई हुई पी टाइप में डॉपिंग की लेयर वैलेंसी बैंड के पास होगी और एन टाइप में डॉपिंग की लेयर कंडक्शन बैंड के पास होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो अब ध्यान से देखना, अगर सुनना, सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती। और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनके कंडक्टेंस हम डॉपिंग करने से बढ़ा सकते हैं। डॉपिंग करने से दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे, एक होगा पी टाइप और दूसरा होगा एन टाइप। पी टाइप बनाने के लिए 13th फैमिली को 14th फैमिली में ऐड कर देंगे, और एन टाइप बनाने के लिए 15th फैमिली को 14th फैमिली में ऐड कर देंगे। और इंट्रिंसिक बनाने के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन का टेम्परेचर बढ़ा दें। यहां पर हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा, और वो क्वेश्चन ये है, एजी सबसे अच्छा कंडक्टर क्या? एजी के बाद में गोल्ड का नंबर एजी बेस्ट कंडक्टर इसलिए है क्योंकि इसकी कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड का फॉरविडन गैप मिनिमम होता है, और फिजिक्स में तो ये पढ़ाते हैं दोनों आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। कंडक्शन बैंड और वो बैंड दोनों आपस में इस तरह ओवरलैप होता है, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन से हैं? ए ए ए, ठीक है ना, कौन से? ए ए ए। कोई बता सकता है इन तीनों ए को किस मेथड से प्योरीफाई करते हैं? हमने मेटलर्जी का पढ़ा, तो लीचिंग से पढ़ा करते हैं। गुड हर्षित, ठीक है ना। तो ये इसको ऐसे याद कर, ए को लीचिंग प्रोसेस से प्योरीफाई कर। अब हम चले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ, और वो है डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को समझो, ठीक है ना। ये नाइस है, नाइस का मींस है नॉट इन सीबीएसई एग्जाम बट नाइस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है।
नॉट इन सीबीएसई एग्जाम, एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो पेपर में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ज्ञान बढ़ाओ प्रोग्राम के अंतर्गत तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टिट्यू प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पीजो, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी को प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अब समझना ये होती क्या है, हमने क्या किया है, क्रिस्टल लिया, और क्रिस्टल कैसा है हमारा, नॉन पोलर। क्रिस्टल कैसा है, नॉन पोलर। अगर हम इसके एक फेस पर प्रेशर लगाए, मैकेनिकल वर्क करें, तो दूसरे फेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। अगर हम एक नॉन पोलर क्रिस्टल के एक फेस पर प्रेशर लगाए तो इससे पोलराइजेशन हो जाता है, और पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, और प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी। इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं कहां पर, इसको हम यूज करते हैं क्वार्ट्ज बताते। अगर हम एक क्रिस्टल के एक फेस पर मैकेनिकल वर्क, प्रेशर कुछ भी करते हैं, तो उसके दूसरे सरफेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती, ठीक है। और इसका यूज मैकेनिकल मतलब, मैकेनिकल मतलब ऐसे है कि जैसे तू है और तेरे को खड़ा कर लिया और तेरे सर पे हथौड़ा मारा, ठीक है ना, सर पे हथौड़ा मारा तो मैकेनिकल वर्क हुआ ना, तो तेरी टांगों में से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगेगी। और अगर टांगों में इलेक्ट्रिसिटी लगा दी तो तेरी खोपड़ी घूमने लगेगी, ठीक है ना, वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल इफेक्ट और मैकेनिकल इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसका यूज क्वार्ट्स वॉच में करते हैं। क्वार्ट्स वॉच में हम क्या करते हैं, सेल से क्वार्ट्स के क्रिस्टल को एनर्जी देते हैं। फिर से बोल देता हूं, क्वार्ट्स के क्रिस्टल को सेल से एनर्जी देते हैं। सेल से एनर्जी जब उसको मिलती है तो इस वाले फेस पर मैकेनिकल वर्क होने लगता है, और उस मैकेनिकल वर्क से वॉच की सुइया घूमती है, और हमको पता लगता है कि क्लास खत्म होने में कुछ ही देर बाकी, ठीक है ना, टाइम पूरा हो। क्लास लोगे है? अब इसका एग्जांपल, अभी इसका एग्जांपल एक है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल SiO2 से बना होता है, ठीक है ना, इसी को क्वार्ट्ज कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तीसरा एग्जांपल है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। तो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि कौन सा क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिसिटी दिखाएगा, एक क्वेश्चन। दूसरा, प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है ना, प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो के नाम से ही पता लगता है हीट है, पायरो के नाम से ही पता लगता है हीट है। एक बार मेटलर्जी में नीट में क्वेश्चन आया कि पायरो मेटलर्जी से किस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते, कोई बता सकता है, पायरो मेटलर्जी। तो पायरो मेटलर्जी से हम तीन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मली वो होते हैं कॉपर, आयरन और जिंक, मरकरी सॉरी, या जिसमें भी ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं ना, वो सारी पायरो मेटल। तो हम चलते हैं, पायरो का मतलब है हीट, और इलेक्ट्रिसिटी तो इस उम्र में जानते ही हो। तो पायरो इलेक्ट्रिसिटी का मींस क्या हो गया कि जब हम किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं, जब हम किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं तो उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पायरो इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, इस पायरो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम करते हैं फायर अलार्म बनाने में। कहां पर,
फायर अलार्म बनाने में कैसे करते हैं देखना। हमने क्या किया, यहाँ पर एक पायरो क्रिस्टल लगा दिया और पायरो क्रिस्टल को एक घंटे से या वेल से जोड़ दिया। हमें जहां पर खतरा था कि यहाँ आग लग सकती है तो वहां हमने पायरो क्रिस्टल लगा दिया। अब देखो जैसे ही, अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, जैसे ही कभी यहाँ आग लगेगी इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करते ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और जो बैल इससे जुड़ी हुई थी, जो बैल इससे जुड़ी हुई थी वो क्या करने लगेगी, क्या करने लगी, बजने लगेगी, रिंग रिंग, वो बजने लगेगी और हमको पता लग जाएगा आग लग गई। ठीक है ना, जैसे किसी बच्चे के हार्ट पे ये लगा दे पायरो क्रिस्टल तो जैसे उसका हार्ट गर्म होगा ठीक है ना क्या बजने लगी, अलार्म। ठीक है ना, तो पायरो क्रिस्टल का एग्जांपल है ये और वो है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर पोटेशियम सोडियम टार्टरिक एसिड, टार्टरेट। ओके, अब ध्यान से सुनना, जितने भी पायरो क्रिस्टल होते हैं, जितने भी पायरो क्रिस्टल होते हैं वो सब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। जितने भी पायरो क्रिस्टल होते हैं वो सारे पायरो क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन सारे पीजो क्रिस्टल पायरो इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करते हैं। फिर से वो पीजो क्यों शो करेंगे, मतलब ये प्रॉपर्टीज क्या है सारे नॉन पोलर क्रिस्टल्स के, नॉन पोलर क्रिस्टल का मतलब सिलिकॉन जैसे क्रिस्टल्स के लिए, लेकिन सारे पीजो क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीजो में कुछ क्रिस्टल्स में ठीक है ना ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन के या एटम के आयोनाइजेशन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए ये होती है जो पर्टिकुलर हीट से प्रोड्यूस नहीं हो पाती, तो जिनके एक्साइटेशन पोटेंशियल कम होते हैं सिर्फ वही पायरो इलेक्ट्रिसिटी दिखाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, कौन सा पायरो क्रिस्टल है, तो हमें पोटेशियम सोडियम टार्टरेट याद होना चाहिए। दूसरी लाइन, सारे पायरो क्रिस्टल पीजो क्रिस्टल होते हैं, ट्रू, सारे पीजो क्रिस्टल पायरो क्रिस्टल होते हैं, फॉल्स। ये तीन लाइन के अलावा चौथी लाइन आपके जीवन में तो आने वाली है नहीं, ठीक है ना, आपके जीवन में आने वाली है नहीं और तुम्हारे बच्चों के लिए हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो हमको तीन ही लाइन याद रखनी है पायरो में, क्या, पोटेशियम सोडियम टार्टरेट पीजो पायरो क्रिस्टल है, सारे पीजो क्रिस्टल पायरो नहीं होते हैं, लेकिन सारे पायरो क्रिस्टल क्या सारे पीजो होते हैं। लाइन है, अगर आप याद करोगे तो जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको दूर से ही खुशबू आएगी आंसर कौन सा, ठीक है ना।